हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से में। दोस्तों, कोफ्ते सभी को पसंद होते हैं और कच्चे केले के कोफ्ते हेल्दी तो होते ही हैं, साथ में बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं। कोफ्ते अगर अंदर से सॉफ्ट ना बने तो उनका मज़ा नहीं आता है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कच्चे केले के कोफ्ते जो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। इस रेसिपी से बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं और बहुत टेस्टी। दोस्तों, ये देखिए, ये कच्चे केले के कोफ्ते कितने सॉफ्ट हैं। ये चम्मच लगाते ही टूट जाते हैं बिल्कुल, और मुँह में डालते ही घुल जाएंगे। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कच्चे केले के कोफ्ते, मतलब घर के पेड़ का तोड़ा हुआ। तो इसमें हम डाल देते हैं, इसको दो सीटी मीडियम फ्लेम पर हम लगा देंगे कुकर में, तो जल्दी से अच्छा सा गल जाएगा। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, एक कप। तो दो सीटी लग चुकी है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे का प्रेशर जो अपने आप निकलने देते हैं, कुकर को ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों, जब तक हमारा केला जो है वो ठंडा हो रहा है, कुकर ठंडा हो रहा है, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं कोफ्ते बनाने की और ग्रेवी तैयार करने के लिए। तो इसके लिए हम मीडियम साइज़ के, देखिए, पाँच प्याज लिए हैं। इसमें से एक प्याज जो है हम कोफ्ते में डालेंगे बारीक काट के, और बाकी जो है वो ग्रेवी में डालेंगे। एक ये अदरक का टुकड़ा है छोटा सा, इसमें से भी थोड़ा सा, बस इतना सा हम डालेंगे कोफ्ते बनाने के लिए, बाकी ग्रेवी में डालेंगे। चार टमाटर छोटे छोटे हैं इसलिए चार टमाटर ले लिए हैं। इनका हम प्यूरी बनाएंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ, और साथ में थोड़ी सी धनिया भी है, इसे भी फाइन चॉप कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें काट लेते हैं, जिसका पेस्ट बनाना है वो बना लेते हैं, फिर कोफ्ते बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये मिक्सर जार में हम ये जो टमाटर हैं उसे डाल लेते हैं, ये चारों टमाटर। थोड़े से अदरक और तीन हरी मिर्चें पीस रहे हैं, थोड़ी सी धनिया भी पीस ले रहे हैं ज़रा सी बस, और ये लहसुन। इन सब का एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये देखिए, प्रेशर कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, प्रेशर अपने आप निकल गया, और केले भी ये देखिए गल गए हैं। तो अब इसका छिलका निकाल के और इस बोल में, जिसमें भी आपको मिक्स करना है, उसमें डाल लेते हैं। तो ये केले सारे इसमें निकाल लिए हैं हम, और इसे किसी भी मैशर की मदद से कर लें या फिर ये हम ग्लास से ही कर लेते हैं। तो दोस्तों, केले को हम अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं, और इसमें डाल दे रहे हैं बेसन, चार चम्मच के करीब है, थोड़ा सा बचा लेते हैं, ज़रूरत लगेगी तो डाल देंगे। ज़्यादा बेसन हो जाएगा तो फिर बेसन का स्वाद आएगा ज़्यादा, केले का ज़्यादा अच्छा स्वाद आना चाहिए। और कोफ्ते बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सॉफ्ट होने चाहिए ताकि ग्रेवी अंदर तक घुस सके। उसके लिए हम डाल रहे हैं एक चम्मच तेल, तेल भी कुछ भी डालें, और एक और चीज़ डालेंगे वो है दही, एक चम्मच दही, थोड़ा सा और। साथ में ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम कट करके रखे थे, एक प्याज अलग रखे हैं और चार प्याज अलग रखे हैं, तो ये एक प्याज ये डाल देते हैं, अदरक, हरी मिर्च। हरी मिर्च हम कम ही डाल रहे हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, तो अपने हिसाब से डालें इसे, और थोड़ी सी हरी धनिया। अब डालेंगे कुछ सूखे मसाले, तो हम थोड़ी सी जीरा भी डाल रहे हैं, हल्दी आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ये घर का ही बना हुआ है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अभी हमने नमक नहीं डाला है, तो एक छोटी चम्मच नमक, इसको अच्छा सा गूंथ लेते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मिर्च, हम लाल मिर्च नहीं डाले, मिक्स कर लिए, लाल मिर्च भी डालना है, तो थोड़ी सी स्वाद के अनुसार अपने नमक मिर्च डाल लें। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे।
बस ये मिक्स हो गया। तो अब कोफ्ते की बॉल्स बनाने के लिए हम हाथ धो लिए हैं और थोड़ा सा पानी हाथ में लगाकर जितना बड़ा शेप आपको चाहिए है उतना बड़ा लेकर और ये बॉल्स ऐसे बना लेंगे। ये देखिए, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम ये जो कोफ्ते बनाए हैं वो डाल देते हैं। हम फ्लेम धीमी है, मीडियम टू लो ही रखनी है क्योंकि कोफ्ते सिकेंगे नहीं अच्छे से अगर हमने तेज कर दिया तो। तो इसको ज़रा सा ऐसे इसके ऊपर तेल स्प्लैश ऐसे करते हुए और चारों तरफ से सेक लेना है, जैसे कोई भी कोफ्ता सेकते हैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक। ये जब तक सेक रहा है तब तक हम एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी की। ये जिसमें हम कोफ्ते का डो तैयार किए थे सेम बोल में 2 चम्मच हम दही डाल रहे हैं, 2 या 3 चम्मच। और इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, थोड़ा सा भींगेगा इसमें अच्छा सा मतलब टेस्ट आता है। तो हल्दी डाल दिए, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच एक छोटी चम्मच के हाफ टी स्पून है, तो ये 2 बार हम ले लिए। धनिया पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। जब हम इस तरह से पानी या दही किसी भी चीज़ में थोड़ा सा सोक कर देते हैं मसालों को तो स्वाद जो है ज़्यादा अच्छा आता है। ये तो हम दही के साथ इसको सोक कर रहे हैं। आप नॉर्मल कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो पानी में भिंगो के रखिए थोड़ी देर मसालों को, मसाले जलेंगे भी नहीं और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो जब तक हमारी बाकी तैयारी चल रही है, कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं और ग्रेवी के लिए प्याज वगैरह हम भुनेंगे, तब तक ये अच्छा सा फूल चुकेगा मसाला। तो ये देखिए कोफ्ते हमारे गोल्डन अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, तो हमने इसे निकाल लिए हैं और जो सेकंड फेज है उसे भी डाल दिए हैं। इसको हम आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये, एकदम आराम से टूट जा रहा है, ये पूरा मैश हो जाएगा बिल्कुल। तो ये ग्रेवी को अच्छे से सोक कर लेता है। अगर कोफ्ता सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा, अंदर की चीज़ें वो सॉफ्ट नहीं होगी तो ग्रेवी में अच्छे से वो ग्रेवी को अच्छे से सोक नहीं करेगी। तो ये देखिए सेकंड बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है और इसे भी निकाल लेते हैं। तो सेम कढ़ाई को हम रख दिए हैं और इसमें तेल थोड़ा सा कम कर दिए हैं, फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेल चाहिए होता है। तो ग्रेवी बनाने के लिए लगभग 3 चम्मच बड़े चम्मच के करीब तेल है और इसमें हम डाल दिए हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, हींग और ये हम कसूरी मेथी भी थोड़ी सी डाल रहे हैं, तड़के में ही डाल रहे हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। तो तड़का हमने सब कुछ डाल दिया है, इसमें डाल देते हैं प्याज। तो ये देखिए प्याज जो है ब्राउन होनी शुरू हो गई है। इसमें हम ये जो पेस्ट बनाए थे, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया, इसे डाल देते हैं। थोड़ा सा इसे भी भून लेंगे, थोड़ी देर इसे भून लेते हैं जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं होने लगता। तो ये प्याज और टमाटर देखिए अच्छे तरीके से भून चुका है, ऑयल जो है ऊपर आ गया है। तो इसमें हम ये जो मसाले हमने दही में बनाए थे इसे डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी से खंगाल के डाल देंगे ताकि वेस्ट ना हो। 2 मिनट के लिए इसे और भून लेते हैं मसाले को। मसाला जब तक ये भून रहा है थोड़ी सी इसमें हरी धनिया भी डाल देते हैं। जब मसालों के साथ धनिया भूनती है तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है, मुझे तो बहुत पसंद है, आप भी ट्राई करके देखिएगा कि आपको कैसा लगता है। तो मसाले भी भून चुके हैं तो हम नमक नहीं डाले थे तो नमक डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा जितना आपको ग्रेवी में जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए है उसके अनुसार पानी नमक डालें।
बॉयल आने देते हैं। तो ग्रेवी में देखिए बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें एक कोफ्ते डाल देते हैं। हम थोड़े से ही हम डालेंगे आधे बचा लेते हैं हम। और बस रेडी है, बस 2 मिनट हम इसे और थोड़ा सा पकने देंगे ताकि कोफ्ते जो हैं ग्रेवी में थोड़े रवा हो जाएं। बस 2 मिनट धीमी आंच पर। तो कोफ्ते डालकर पकाने के बाद 2 मिनट बाद हम गैस बंद कर दिए और हरी धनिया डाल दिए हैं। तो ये बिल्कुल कोफ्ते रेडी हैं, अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। कच्चे केले के कोफ्ते की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।